सी यू ई टी एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके जरिए भारत के टोटल फोर्टी फोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी जाएगी यह एंट्रेंस एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा यह एंट्रेंस एग्जाम एन टी एनि नेशनल टेक्स्ट एजेंसी द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा यह वही एजेंसी है जो जेई मेंस और नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है सी यू ई टी का फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है यू जी सी के अकॉर्डिंग राज्यों के विश्वविद्यालय प्राइवेट विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय भी इस प्रवेश परीक्षा के आधार पर अपने यहाँ स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकते हैं यू जी सी पहले इसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम करवाती थी जिसे सी यू सी ई टी के नाम से जाना जाता था यानी सेंट्रल यूनिवर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेकिन वो एंट्रेंस एग्जाम जरूरी नहीं था कि स्टूडेंट उस एग्जाम को दें लेकिन अब सी ऊ सी टी की जगह सी ऊटी -E ने ले ली है और यह परीक्षा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अनिवार्य कर दी गई है पहले सी यू सी ई टी के एग्ज़ाम को देने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम बारहवीं क्लास में 50 परसेंट मार्क्स लाने होते थे तभी वह इस एग्ज़ाम को दे पाते थे लेकिन अब सी यू ई टी के एग्ज़ाम को देने के लिए स्टूडेंट्स को कोई भी कैटेगरिया नहीं रखा गया है कोई भी पास इस एग्जाम को दे सकता है और कोई भी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज है नहीं है यूजीसी ने इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए कोई भी फिफ्टी मार्क्स वाला क्रिटेरिया नहीं रखा है लेकिन एडमिशन के टाइम यूनिवर्सिटी फिफ्टी मार्क्स वाला क्रिटेरिया जरूर फॉलो कर सकती है इसलिए आपको ट्वेल्थ क्लास में कम से कम फिफ्टी मार्क्स लाना जरूरी है सी यू ई टी ने सी यू सी टी एग्जाम को इसी वर्ष यानी 2022 में ही इस एग्जाम को रिप्लेस किया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे और मई मंथ के फर्स्ट वीक में इस एग्जाम के फॉर्म क्लोज कर दिए जाएंगे यह टेस्ट जुलाई में कराया जाएगा और इसके रिजल्ट अगस्त मंथ में आएंगे वैसे तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सही है लेकिन इस पर कुछ आपत्तियां जताई जा रही हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एकेडमिक काउंसलिंग के सदस्यों का कहना है कि यह परीक्षा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह की और भी कई सारी आपत्तियां विशेषज्ञों द्वारा उठाई जा रही हैं सी का एंट्रेंस एग्जाम तीन सेक्शन में होगा जिसमें से सेक्शन ए में दो पार्ट होंगे सेक्शन वन ए में तेरह भाषाएं होंगी सेक्शन वन बी में ट्वेंटी भाषाएं होंगी और सेक्शन दो में सत्ताईस डोमेन स्पेसिफिक विषय पर होंगे और सेक्शन थर्ड में जनरल टेक्स्ट होगा सेक्शन वन ए में तेरह भाषाएं इस तरह हैं तमिल तेलगू कन्नड़ मलयालम मराठी गुजराती उड़िया बंगाली असमिया पंजाबी अंग्रेजी हिंदी उर्दू और सेक्शन वन बी में ट्वेंटी भाषाएं इस तरह हैं मैथिली जापानी फ्रेंच स्पेनिश जर्मन नेपाली पर्शियन इटालियन अरेबिक सिंधी संस्कृत कश्मीरी कोकनी बोडो डोगरी मणिपुरी संथली तिब्बतन, रशियन चाइनीज और सेक्शन टू में 27 डोमेन स्पेसिफिक विषय इस प्रकार हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इन्हें देख सकते हैं और सेक्शन थ्री में जनरल टेस्ट होगा सेक्शन वन ए और सेक्शन वन बी में टोटल 50 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 40 प्रश्न को सॉल्व करना होगा इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा सेक्शन दो में भी टोटल 50 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 40 प्रश्न को सॉल्व करना होगा और इसके लिए भी 45 मिनट दिया जाएगा सेक्शन तीन जो जनरल टेस्ट है इसमें पचहत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको साठ प्रश्न सॉल्व करने होंगे और इसके लिए आपको साठ मिनट दिए जाएंगे इस एंट्रेंस एग्जाम में टोटल नौ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सेक्शन वन ए और सेक्शन वन बी में से ज़्यादा से ज़्यादा तीन भाषाएं चुन सकते हैं और कम से कम दो भाषाएं चुन सकते हैं अगर आप सेक्शन वन ए और सेक्शन वन बी में से दो भाषाएं चुनते हैं तो आपको दो भाषा प्लस सिक्स डोमेन स्पेसिफिक विषय प्लस वन जनरल टेस्ट टोटल नौ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यदि आप सेक्शन वन ए और सेक्शन वन बी में से तीन भाषाएं चुनते हैं तो आपसे तीन भाषाएं प्लस पांच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक जनरल टेस्ट टोटल नौ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे का मतलब यह है अगर आप सेक्शन वन ए और सेक्शन वन बी में से दो भाषाएं चुनते हैं तब आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक विषय में से छः विषय चुनने होंगे और एक जनरल टेस्ट सभी के लिए कंपलसरी होगा और यदि आप सेक्शन वन ए और सेक्शन वन बी में से तीन भाषाएं चुनते हैं तब आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक विषय में से पाँच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुनने होंगे यह एंट्रेंस एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के सही जवाब पर पाँच अंक दिए जाएंगे और गलत आंसर देने पर एक अंक काट लिया जाएगा यह एंट्रेंस एग्जाम पूरे देश के पाँच शहरों में लिया जाएगा इसके सभी परीक्षा केंद्र की जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी तो चलिए बात करते हैं सी यू ई -E टी एग्जाम सिलेबस दो हज़ार बाईस के बारे में सेक्शन वन ए और सेक्शन वन बी में से जो भी आप भाषाएं चुनते हैं उनमें से आपसे रीडिंग कंप्रीशन पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में से डोमेन स्पेसिफिक विषय में सभी प्रश्न बारहवीं के एन सी आर टी के बुक के अनुसार ही होंगे और सेक्शन तीन जनरल टेस्ट होगा जिसमें सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएँ सामान्य मानसिक योग्यता संख्यात्मक योग्यता क्वांटिटेटिव रीजनिंग लॉजिकल एंड एन एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो स्टूडेंट्स के मन में इस वीडियो को देखने के बाद आए होंगे तो प्लीज़ अगली वीडियो को जरूर देखें क्योंकि हमने उस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे उन सभी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अगली वीडियो अपलोड करें तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद